नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर समेत यूपी के 5 जनपदों का दौरा करेंगे और खलीलाबाद, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खलीलाबाद के जूनियर हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद सीएम संत कबीर नगर के लिए रवाना होंगे। साथ ही आजमगढ़ के एसकेपी कॉलेज के मैदान में मऊ के जीवन राम कॉलेज और बलिया के सतीश चंद्र महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ समेत कई जनपदों में सीएम योगी आज जनसभा को संबोधित करेंगे, तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि निकाय चुनाव को देखते हुए सीएम योगी खुद मैदान में उतरे हुए हैं और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। वहीं आज सीएम योगी संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। संत कबीर नगर समेत 5 जनपदों का सीएम योगी आज दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जनसभा को सीएम योगी संबोधित करेंगे, वहीं इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर समेत यूपी के 5 जनपदों का दौरा करेंगे, जहां वो तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं और चुनावी रण को देखते हुए पूरे तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर समेत यूपी के 5 जनपदों का दौरा करेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल? बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 5 जिलों में भ्रमण है। अगर कल मंगलवार तक की बात करें तो 35 जनपदों में लगभग 22 जिलों में उन्होंने जनसभाएं की है। मैं आपको बता दूं कि 37 में से 22 जिलों में जो जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है वो एक सप्ताह के भीतर की है। वहां के जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों के लिए उन्होंने चुनावी जनसभा की और नगर निकाय चुनाव के लिए वोट बैंक को बटोरने के लिए वो पूरी तरीके से प्रत्याशियों के साथ खड़े नजर आए। आज जो जानकारी मिल रही है दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में जनसभा करेंगे। उनका जो कार्यक्रम होगा वो 11 बजे के आसपास खलीलाबाद में होगा, जहां पर वो जनसभा करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे आजमगढ़ में उनकी जनसभाएं होंगी, 1:45 बजे जीवन राम कॉलेज में मऊ में जनसभाएं होंगी। तो इस तरीके से बलिया में भी 3:10 पर इनकी जनसभा होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरीके की जनसभाएं कर रहे हैं और अभी जो जनसभा हो रही है वो जनसभा अभी खलीलाबाद संत कबीर नगर में करने की बात की जा रही है। रितेश, सीएम योगी तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहां भी कार्यक्रम रहता है उस कार्यक्रम में पुलिस जो व्यवस्था होता है पूरी तरीके से इंतजाम किए जाते हैं। तो जहां जहां पर उनका भ्रमण है जिस जिलों में वहां पर पूरी तरीके से पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि अभी जो प्रथम चरण का चुनाव प्रचार का और चुनाव का जो भी चुनाव प्रक्रिया थी वो थम गई है। पहले चरण का दूसरे चरण के लिए वो कहीं ना कहीं सदस्यता से दिख रहे हैं। अब तो अभी जो पूर्वांचल में उनका दौरा है बेहद खास माना जा रहा है, प्रत्याशियों के लिए विजुल बनाएंगे, वहां मतदाताओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। कल नौ मंडल में चुनाव यानी 37 जिलों में कल मतदान होगा, उसको लेकर के भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंच रहे हैं, 2 दिन वो लखनऊ में रहेंगे, उसके बाद वो भी दिल्ली जाएंगे। तो अभी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट बैंक को साधने के लिए एक एक प्रत्याशी के पास पहुंच रहे हैं। अभी तक उन्होंने 10 नगर निगम में पहुंच करके अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा।
जी धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के आज तमाम कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे, जिसमें संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, पूरी तरह से अलर्ट मोड में है पुलिस प्रशासन। वहीं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया। आपको बता दें कि कल निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होगा, जिसको देखते हुए सीएम योगी एकदम से तैयारियों में जुटे हुए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज औरैया समेत यूपी के 4 जनपदों का दौरा करेंगे और औरैया, इटावा, फरुखाबाद तथा कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य औरैया के 800 रोड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद इटावा के जेपी गार्डन में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इटावा के जेपी गार्डन और फरुखाबाद के गुड़गांव देवी मंदिर में भी डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को देखते हुए डिप्टी सीएम भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कार्यक्रम होगा। वहीं कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। वहीं औरैया के 800 रोड में जनसभा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आज तमाम कार्यक्रम है। बता दें निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ सीएम योगी खुद मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार मैदान में उतरे हुए हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ये माना जाए कि चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। बता दें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज औरैया समेत यूपी के 4 जनपदों का दौरा करेंगे, जहां वो तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे और औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और औरैया से हमारे संवाददाता ऋषि हमसे जुड़ चुके हैं। ऋषि, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज औरैया समेत यूपी के 4 जनपदों का दौरा करेंगे, औरैया में उनके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा? बिल्कुल बताना चाहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य औरैया 11:15 पर अजीत मल के जनता इंटर कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वही से 11:20 पे कार द्वारा त्रिवेदी गेस्ट हाउस में जनसभा को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद में इटावा के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। देखने की बात यह होगी कि जनपद में 7 नगर पंचायतों पे चुनाव होना है। अब देखने की वाली बात यह होगी कि 7 नगर पंचायतों में कितने प्रत्याशियों को जीत हासिल होगी। जी मयूरी, ऋषि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं लगातार पुलिस भी तैनात देखी जा रही है। जी ऋषि, अगर मैं निकाय चुनाव को देखते हुए औरैया की बात करूं तो वहां कैसी स्थिति बनी हुई है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन किसको टक्कर दे रहा है? वही देखने की बात यह है कि औरैया जनपद में भारतीय जनता पार्टी भी अपना रुतबा दिखा रही है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना रौब दिखाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि औरैया की जनता किसको पहनाएगी ताज और कौन बैठेगा नगर पालिका की सीट पर। जी धन्यवाद ऋषि हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है और औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। बता दें लगातार मैदान में उतरे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं।
यूपी के नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम चुका है। कल 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है। प्रथम चरण में लखनऊ नगर निगम की सीट भी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस ने जगह जगह लोगों को आचार संहिता और धारा 144 का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल कर लोगों को हिदायत और चेतावनी दे रही है। लिहाजा पुलिस पहले चरण के निकाय चुनाव को कुशलतापूर्व निपटाने के लिए मुस्तैद है। वहीं चुनाव में अराजकता फैलाने वाले अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। बता दें अंबेडकर नगर में 4 नगर पंचायत 3 नगर पालिका, वहीं 11 मई को अंबेडकर नगर में दूसरे चरण के मतदान होने हैं। बता दें निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। वहीं आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। लगातार बता दें कि कल निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा, वहीं दूसरे चरण का 11 मई को मतदान होगा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, फ्लैग मार्च करते हुए ये अम्बेडकर नगर की तस्वीरें हैं, जहाँ पुलिस गश्त करते हुए नजर आ रही है। आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। राहुल, निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है। पहले चरण का चुनाव कल ही होगा, मतदान कल ही होंगे, वहीं इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सुरक्षा को लेकर? जी मयूरी, पहले बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी अपने तरीके से कर लिया है। और रही बात अगर इंतजाम और सुरक्षा की बात करें तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है सभी पोलिंग बूथों पर। अगर पोलिंग बूथों की बात करें जनपद अम्बेडकर नगर में तो 71 पोलिंग बूथ है और 31 स्थल है, जहां पर बिजली पानी इत्यादि की सुख सुविधाओं को भौगोलिक जांच करके देखा गया है, उसको परखा गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है जिला अधिकारी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि कुल मतदाता जो अंबेडकर नगर जनपद में है 3,04,737 मतदाता कुल है, कुल जो जनपद अंबेडकर में मतदान का प्रयोग करेंगे आने वाले 11 तारीख को। और यहाँ पर 4 नगर पंचायत है, 3 नगर पालिका है, टोटल 7 हैं। 139 वार्ड हैं और 7 जगहों पर मतदान होगा। 14,000 से अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे आने वाले 11 तारीख को। और जिला प्रशासन एहतियातन तौर पर धारा 144 लिहाजा आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है और शासन प्रशासन दोनों अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और कर्मचारी भी इसके लिए तैनात कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर मतदान स्थलों पर ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा, मतदान केंद्रों पर मतपेटियों का प्रयोग होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी मयूरी, राहुल, यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं अम्बेडकर नगर की, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रही है, तो पुलिस द्वारा जनता को क्या हिदायत दी जा रही है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मयूरी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, धारा 144 को देखते हुए पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है हत्याकांड के बाद से। तो चाय जलपान की दुकान पर चाय पीते समय कोई भी राजनीतिक अराजक तत्वों द्वारा कोई भी अफवाह न फैलाया जाए, इसी दृष्टिकोण से पुलिस जो है उनको हिदायत दे रही कि आप चाय पानी करिए, उसके बाद अपने घर जाइए, कोई भी उल्टा सीधा बात नहीं करेगा। 4 से 5 लोग जहाँ दिख रहे हैं वहां पर पुलिस हिदायत दे रही, चेतावनी दे रही, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी, ऐसी हिदायत दी जाएगी। पहलू यह होगा। दूसरा पहलू आचार संहिता को देखते हुए प्रचार प्रसार किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम
बाकायदे उसका कड़ाई से पालन कराते हुए तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा होगा कि किस तरीके से पुलिस हिदायत दे रही है और लाठियां भी कहीं ना कहीं बरसा रही है। और दूसरी बात, तीसरी बात कि ट्रैफिक को लेकर भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेकर पुलिस पूरी अपनी एकदम पूरी एकदम जिम्मेदारी निभा रही है। और सबसे बड़ी बात मयूरी आपको बता दे कि कल ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का अंबेडकर नगर जनपद में दौरा है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अंबेडकर नगर हवाई पट्टी पर उतरेंगे, एक होटल है वहां पर जाएंगे, नगर निकाय चुनाव को लेकर के उनकी पूरी तैयारी है, रणनीति है, अपने अपने पदाधिकारियों उम्मीदवारों अध्यक्षों से मिलेंगे और रणनीति बनाएंगे आगे का। और हमें लगता है कि दम खम पूरी तैयारी जा रही है। राहुल, अंबेडकर नगर में दूसरे चरण में मतदान होगा, अगर मैं निकाय चुनाव को देखती हूँ अंबेडकर नगर की बात करूँ तो वहाँ क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए बीएसपी शासन काल से ये अंबेडकर नगर जनपद अकबरपुर अंबेडकर नगर गण रहा है बीएसपी का, लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव में उलट फेर हो गया क्योंकि मायावती के शासन में यहाँ पर काफी विकास हुआ, इसीलिए अकबरपुर अंबेडकर नगर एकदम बसपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन विधानसभा चुनाव में पांचों सीटों पर सपा का कब्जा रहा, सब पांचों सीटों पर विधायक रहे, ऐसे में बीजेपी की एक भी सीट नहीं निकली है। तो अभी तो दबदबा तो सपा और बसपा का ही अंबेडकर नगर जनपद में रहा। हालांकि अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद हरिओम पांडे और मौजूदा एमएलसी हैं हरिओम पांडे, जो अभी तक बीजेपी की साख बचा के रखे हुए हैं। जी धन्यवाद राहुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता, निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बता दें 11 मई को अंबेडकर नगर में चुनाव होने हैं, मतदान होना है, जिसको लेकर पहले ही पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस